देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स में दोपहर 12 बजे अंतिम सांस ली। वो 66 साल के थे। जेटली 9 अगस्त से ही एम्स में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एम्स में भर्ती किया गया था। अरुण जेटली बीजेपी के सशक्त नेताओं में से एक माने जाते थे। बता दें कि कभी अरुण जेटली से भिड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी महंगा पड़ा था। तब मानहानि के मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी थी। केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं ने 2015 में अरुण जेटली पर दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इस पर जेटली ने केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के नेताओं को कोर्ट में घसीटते हुए 10 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया था। हैरानी की बात तो ये थी कि राम जेठमलानी जैसा वकील करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, बल्कि इसके उलट जेठमलानी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरुण जेटली को अपशब्द कहकर मानहानि का और मुकदमा झेलने को मजबूर कर दिया था। बुरी तरह घिरने पर केजरीवाल ने माफी मांगने में ही भलाई समझी थी। दरअसल केजरीवाल ने जेटली के साल 2000 से 2013 तक DDCA के अध्यक्ष रहने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के माफीनामे के बाद दोनों पक्षों की तरफ से हाईकोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट पे संयुक्त याचिका दायर की गई थी। न्यूज डेस्क।